इस्लाम धर्म के लिए एक और बुरी खबर मुसलमानों में मची हड़कंप, जानिए। इस्लाम के लिए एक बुरी खबर है और वह यह है कि वियना ऑस्ट्रिया सरकार ने अपने देश की 7 मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया सरकार ने यह फैसला किया है कि वह लगभग 7 इस्लामिक इमामों को अपने देश से बाहर निकालने वाला है। इस प्रक्रिया को ऑस्ट्रिया सरकार ने शुरू भी कर दिया है। ऑस्ट्रिया सरकार ने यह प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया है कि अब वहां की राजनीतिक पार्टियों और मस्जिदों को विदेश से कोई सहायता प्रदान नहीं होगी। इस बात की पुष्टि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की है और साथ में यह भी कहा है कि वह वियना में कट्टरवादी तुर्की और राष्ट्रवादी मस्जिद को बंद कर रही है। इसके अलावा चांसलर ने यह भी कहा है कि वह अरबी धर्म के संगठन के साथ जुड़ी हुई अन्य मस्जिदों को भी बंद कर सकता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि जैसा कि 2015 में कानून बना था कि कोई भी धार्मिक संगठन विदेश से किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा चांसलर ने यह भी अंदेशा जताया है कि वह नॉर्वे देश में नर्सरी स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बुरके और नकाब पर लॉक लगा सकती है। इसके लिए कुछ समय पहले ऑस्ट्रिया की संसद में वोटिंग भी हुई थी, जिस वोटिंग के अंदर 91 सांसदों ने बुरका पहनने पर विरोध जताया था और उनमें सिर्फ 8 सांसद ही ऐसे थे जो कि बुरका पहनने पर सहमत है। इसी के साथ साथ यूरोप के अंदर तो सार्वजनिक स्थलों पर बुरका और नकाब पहले से ही प्रतिबंध किया जा चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसे खबर सुनने रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबर आपके लिए लाते रहते हैं।